आज हम आपको पेंटॉप एमपीएस सिरप के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देंगे और यह पेट से संबंधित किस किस प्रकार के स्थिति और कंडीशन पे डॉक्टर लिखते हैं और इसमें जो कंपोजिशन दिया गया है एक्टिवेटेड डायमिथिकोन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोर्बिटोटॉल लिक्विड या किस प्रकार से पेटों के अंदर काम करता है, इसका क्या रिएक्शन होता है और इसका क्या बेनिफिट है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। यह 200 ml का पैक आपको 90 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा क्योंकि इसे एक अच्छी कंपनी एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है और इसे आप 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पर रखें तो यह दवाई ज़्यादा सेफ रहता है। अब हम बात करते हैं कि पेंटॉप एमपीएस को किस प्रकार से यूज करें। तो पेंटॉप एमपीएस एक शुगर फ्री दवाई है, यानी इसे मधुमेह यानी डायबिटीज पेशेंट को भी दे सकते हैं। इसका यूज आप पेट से संबंधित कई प्रकार के समस्या और कई प्रकार के अलग अलग कंडीशन रहने पर डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। हम आपको एक एक करके सभी स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। तो नंबर वन की बात करें तो गैस यानी एसिडिटी के कंडीशन में यदि आपके पेट में ज़्यादा गैस बन गया है, खाना ठीक रूप से नहीं खाए हैं जिसके कारण गैस बन गया है, या फिर पेटों में कोई और समस्या है जिसके कारण गैस बन गया है, तो उस स्थिति में भी आप पेंटॉप एमपीएस को ले सकते हैं। नंबर दो की बात करें तो पेट एवं आँतों में अल्सर जैसी समस्या, यदि हमारे पेट एवं आँतों में अल्सर हो गया है यानी घाव हो गया है हमारे आँतों में, तो उस प्रकार के स्थिति में भी पेंटॉप एमपीएस को दिया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि अल्सर किस प्रकार से फैलता है। तो यदि हम गैस ज़्यादा दिनों तक बनते रहे हमारे पेट में और उसे हम अनदेखा करते रहें तो वह धीरे धीरे अल्सर का रूप ले लेता है और अल्सर को सही समय से इलाज नहीं किया जाए तो हमारे पेटों में घाव कैंसर का रूप ले लेता है जिसके कारण कई बार व्यक्तियों को मृत्यु तक भी हो जाता है। तो आप पेट एवं आँतों में अल्सर जैसी समस्या में भी पेंटॉप एमपीएस का यूज कर सकते हैं। नंबर तीन की बात करें तो इनडाइजेशन यानी अपच जैसी समस्या, यानी आपको सोने में सही टाइमिंग नहीं मिला या फिर ज़्यादा ओवरडोज खाना हो गया है जिसके कारण आपको अपच हो गया है जिसके कारण गैस होता है, डकार जैसी होती है, तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप को ले सकते हैं। नंबर चार की बात करें तो सीने में जलन जैसी समस्या, यदि गैस ज़्यादा देर तक हमारे पेटों में रहता है तो वह फैलने लगता है जिसके कारण हमारे सीने में जलन, सीने में दर्द जैसा महसूस होने लगता है, तो उस प्रकार के कंडीशन में भी आप इस सिरप को यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में नॉर्मल रूप से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशनों में जैसे कि आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो इस चीज़ को पहले ही डॉक्टर से आप शेयर कर सकते हैं। डोज की बात करें तो डोज ये डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप इसे यूज कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। यदि इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।